Good morning class, this is our ANA Physio class in which today we will start our new chapter, that is lymphatic system. In our previous classes we completed the sensory organ sensory system of the body, that is eye and ENT hamara complete ho chuka hai. अब आपका मैं पहले होमवर्क बोल देती हूँ. IENT के अंदर आपको वही करना है. एक तो आपको अटेंडेंस का बताया हुआ है मैंने कि हर वीडियो के नीचे आपको अपना नाम लिखना है और उसके सामने एक वर्ड लिखना है जो आप लोगों ने उसमें से जो भी कोई टर्म ऐसी पढ़ी है उसको आपको लिखना है. और दूसरा आपको सारे जो भी टॉपिक्स हमने किए हैं उसके डायग्राम बनाइए. नोज थ्रॉट आपने उसका किया नहीं है, उसका डायग्राम बनाइए और डायग्राम बना करके आपको जो है अपने CR को व्हाट्सअप कर देना है. मुझे मेल नहीं करना है, CR को व्हाट्सअप कर देना है. अब हम अपना नया सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, लिम्फास्टिक सिस्टम. इसका इंट्रोडक्शन देखिए, हमारे जो पूरी बॉडी के टिश्यूज़ हैं वो एक साथ टिश्यू फ्लूइड के अंदर नहाए हुए रहते हैं, मतलब उनके ऊपर पूरा टिश्यू फ्लूइड फैला हुआ रहता है जो कि बना होता है डिफ्यूजिबल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम सेल. ब्लड के कंस्टिट्यूएंट से और सेल से जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उनके मिले जुले रूप से बना हुआ एक टिश्यू फ्लूइड होता है जो हमारे सभी बॉडी टिश्यूज़ को ढके हुए रहता है. कुछ टिश्यू फ्लूइड जो है वो वापस कैपिलरी में चल जाते हैं वीनस एंड से, और जो बच जाते हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं मोर परमेबल वॉल से लिम्फ कैपिलरीज की. भाई कुछ तो चला गया आपके वीनस एंड से कैपिलरी के अंदर, कुछ आपके लिम्फ कैपिलरी में चला जाता है, वो फ्लूड डिफ्यूज़ हो जाता है और क्या बनाता है, लिम्फ बनाता है. तो लिम्फ क्या है, बॉडी टिश्यूज़ है, बॉडी टिश्यूज़ को कवर करने वाला बॉडी फ्लूड है. अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और लिम्फैटिक सिस्टम ये दोनों हमारी बॉडी को फ्लूड जो है वो सप्लाई करते हैं. भाई कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ब्लड सप्लाई करेगा और लिम्फैटिक सिस्टम लिम्फ फ्लूड सप्लाई करेगा. है दोनों ही फ्लूड जो कि बॉडी में फ्लो होते रहते हैं, पर दोनों ही जो है वो अलग तरह के फ्लूड हैं. लिम्फैटिक सिस्टम किसी सर्किट में क्लोज नहीं होता और हार्ट की तरह उसका कोई सेंट्रल पंप नहीं है, ना ही तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जैसा उसमें कोई सर्किट है और ना ही उसको पंप करने के लिए कोई हार्ट जैसा कोई सेंट्रल पंप सिस्टम है. अब लिम्फ बना किससे होता है, तो देखिए सेंटर में लिम्फ है, वो लिम्फ वैसल में रहता है. लिम्फ वैसल के बाहर लिम्फ नोड, ये लिम्फ नोड जिस ऑर्गन से जुड़े हैं वो लिम्फ ऑर्गन जैसे स्प्लीन थाइमस, और ये लिम्फोइड टिश्यू में डिफ्यूज़ हुए रहते हैं जैसे कि टॉन्सिल वगैरह में. इसका ये आपका लिम्फ सिस्टम बना हुआ है. तो ये बॉडी में आपका ग्रीन कलर का, रेड से हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बताते हैं, ग्रीन से हम लिम्फ सिस्टम बताते हैं. तो देखिए ये लिम्फ वैसल्स हैं ग्रीन कलर की जो आपको दिखाई दे रही हैं. यहाँ टॉन्सिल पार्ट दिखाया गया है, थाइमस दिखाया गया है, साइड में स्प्लीन और ये बोन मैरो. ये सारे वो ऑर्गन्स हैं जो लिम्फ सिस्टम से जुड़े हुए रहते हैं, जिनका कंसर्न है लिम्फ सिस्टम के साथ में. ये लिम्फ वेसल्स और यहाँ पर इसके ये बड़े पार्ट्स लिम्फ नोड्स हैं. अब ये लिम्फ सिस्टम फंक्शन क्या करता है, ये टिश्यू फ्लूइड को वापस ब्लड स्ट्रीम में भेजता है, फैट और फैट सॉल्युबल विटामिंस को इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब और ट्रांसपोर्ट करता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है. ये तीन इसके मेन फंक्शन है. ब्लड स्ट्रीम में टिश्यू फ्लूइड को भेजता है, इंटेस्टाइन में जो फैट और फैट सॉल्युबल्स विटामिंस हैं उनको एब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्ट करेगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को किल कर देगा. ये ब्लड वेसल के अलोंग ही ट्रैवल करता है. ये जो लिम्फ वेसल से आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, ब्लड वेसल के अलोंग ही ट्रैवल कर रही हैं, ग्रीन कलर में दिखाई गई हैं और रेड ब्लू कलर में आपकी आर्टरीज और वेन्स से मिला हुआ वैस्कुलर सिस्टम दिखाया गया है. अब यहाँ पर लिम्फैटिक कलेक्टिंग वेसल्स दिखाई गई है, लिम्फैटिक ट्रंक दिखाई गई है और ये लिम्फैटिक डक्ट है सप्लाई करने वाली. ये लिम्फैटिक वेसल्स जो है लिम्फैटिक कैपिलरी के साथ में स्टार्ट होती है. ये लिम्फैटिक कैपिलरी का पूरा गुच्छा दिखाया गया है डायग्राम के अंदर. अब लिम्फ क्या होता है, इसका मतलब होता है लिम्फ का ब्लड ट्रैवल होने के बाद कैपिलरी बेड से ट्रैवल होने के बाद वीनस सिस्टम में मूव करता है. तो उस समय कुछ
जो फ्लूड है वो टिश्यू में पीछे रह जाता है, इसी को अपन लिम्फ कहते हैं। भाई जब ब्लड कैपिलरी से ट्रैवल होने के बाद, कैपिलरी बेड से ट्रैवल होने के बाद जब वीनस सिस्टम में वापस मूव करता है तो कुछ फ्लूड जो है टिश्यूज़ में रह जाता है, पूरा पूरा ट्रैवल नहीं कर पाता ब्लड, उसका कुछ फ्लूड वहाँ पीछे रह जाता है, इसी को अपन लिम्फ कहते हैं। लिम्फ एक क्लियर कलरलेस लिक्विड है जो कि बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा के जैसा ही बना होता है, उसी का ही कंपोजिशन सेम इसके अंदर होता है ब्लड प्लाज्मा के जैसा ही, और कुछ नहीं है, एक क्लियर वाटरी ब्लड प्लाज्मा है। आप ये कह सकते हो लिम्फ क्या है, ये एक क्लियर वाटरी ब्लड प्लाज्मा है जो कि कैपिलरी वॉल से लीक होता है और सेल के चारों तरफ फ्लो होता रहता है। इसमें ऑक्सीजन, प्रोटीन्स, ग्लूकोज और वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। ऑक्सीजन, प्रोटीन्स, ग्लूकोज और WBC इसमें पाई जाती हैं। ब्लड प्लाज्मा के जैसा ही होता है, कैपिलरी वॉल से लीक हो जाता है थोड़ा बहुत और सेल के चारों तरफ फैल जाता है, उसी का अपन लिम्फ कह रहे हैं, जो क्लियर वाटरी ब्लड प्लाज्मा है। सभी सेल्स जो है वो इसी फ्लूड में नहाई हुई रहती हैं और इससे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन लेती रहती हैं, क्योंकि ये चारों तरफ रहता है सेल्स के, तो इसका मतलब वो उसमें डूबी हुई रहती हैं और उससे न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन लेती रहती हैं। ट्यूब्यूलर वेसल्स ट्रांसपोर्ट लिम्फ बैक टू द ब्लड। भाई कुछ तो इस ब्लड में से रह गए और कुछ वो वापस उसमें से ब्लड को वापस दे देती हैं, ट्यूबुलर वेसल्स जो हैं उस लिम्फ को ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर देती हैं, अल्टीमेटली रिप्लेसिंग द वॉल्यूम लॉस्ट। तो जो वॉल्यूम उस ब्लड में से लॉस हुआ था वो वापस रिप्लेस हो जाता है। और इंटेस्टाइनल कब लॉस हुआ था, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूड। इंटरस्टिशियल फ्लूड बनाने के दौरान ब्लड में से जो कुछ वॉल्यूम लॉस हुआ था ब्लड प्लाज्मा, वो वापस उसमें पहुंच जाता है। मतलब ये टू एंड फ्रो मोशन चलता रहता है, ब्लड से निकलता रहता है वापस ब्लड में जाता रहता है, निकलता रहता है जाता रहता है। ब्लड से निकल रहा होता है इंटरस्टिशियल फ्लूड को बनाने के लिए और वापस वो रिप्लेस हो जाता है, वापस ब्लड में घुस जाता है। ये लिम्फ का क्या चल रहा है, एक तरह से मूवमेंट चल रहा है। तो लिम्फ मूवमेंट अकर्स डिस्पाइट लो प्रेशर ड्यू टू पैरास्टासिस। और ये मूवमेंट क्यों चलता है, पैरास्टासिस की वजह से, वॉल्व से और कंप्रेशन के दौरान जो लो प्रेशर हो रहा है उससे रिलेटेड है। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एडजेसेंट स्केलेटल मसल एंड आर्टेरियल पल्सेशन, जब भी कोई स्केलेटल मसल्स, आसपास के स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, आर्टेरियल पल्स चल रहा है, उस दौरान जो है पैरिस्टासिस वॉल्व्स और कंप्रेशन के दौरान जो है लो प्रेशर की वजह से लिम्फ का मूवमेंट चल रहा होता है। अब ये देखिए ओरिजिन बताया गया है लिम्फ का। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो ब्लड को पंप कर रहा है इस सिस्टम के द्वारा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इस सिस्टम के द्वारा ब्लड को पंप करता है, पर ये वापस उस फ्लूड में नहीं डालता बॉडी सेल से, बट इट कैन नॉट रिटर्न ऑल द फ्लूड फ्रॉम द बॉडी सेल्स। भाई हमने बोला ना स्टार्टिंग ये ब्लड से ही बन रहा है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ने ब्लड से इसको पंप तो कर दिया, बॉडी सेल में पंप हो गया सारा का सारा ब्लड फ्लूड की फॉर्म में, पर ब्लड सेल से सारा फ्लूड वापस उस ब्लड सिस्टम में या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जा नहीं पाता, तो वो क्या बनाता है लिम्फ सिस्टम। 60% फ्लूड जो है पिक्स अप, 60% ऑफ द फ्लूड ड्रॉप्ड ऑफ एट द सेल्युलर लेवल। सेल्युलर लेवल पर 60% फ्लूड जो है वो ड्रॉप्ड ऑफ हो जाता है। इस पॉइंट पर जहाँ पर ये ड्रॉप्ड ऑफ हो गया, हम इंटरस्टिशियल फ्लूड की बात करें, क्या ड्रॉप्ड ऑफ हुआ है, इंटरस्टिशियल फ्लूड 60% फ्लूड जो है वो ड्रॉप्ड ऑफ हो जाता है, यानी इंटरस्टिशियल फ्लूड में कन्वर्ट हो जाता है। ये IF जो है पिक्स अप प्लाज्मा एंड बिकम्स टिश्यू फ्लूड, प्लाज्मा से पिकअप होकर यही इंटरस्टिशियल फ्लूड क्या बना रहा है, टिश्यू फ्लूड बनाता है। ये टिश्यू फ्लूड वापस पिकडअप होकर के लिम्फ कैपिलरीज में जा रहा है, और फिर टिश्यू फ्लूड को अपन क्या कह रहे हैं, लिम्फ कह देते हैं। तो इस तरह से लिम्फ जो है बनता है, ये पूरा मैकेनिज्म है, ये इसका ओरिजिन है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से स्टार्ट हुआ और फाइनली लिम्फ बन गया। लिम्फ की pH 7 होती है लगभग, या 7 से थोड़ी ज़्यादा होती है, मतलब 7 तो न्यूट्रल होगी, 7 से थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसे ब्लड की होती है, ब्लड की 7.4 होती है, तो लगभग 7 के आसपास ही है, तो वैसे इसकी भी 7 से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसका मतलब लिम्फ कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है। ये लिम्फ क्या काम करता है, ये मिडल मैन होता है जो कि बॉडी सेल्स तक ऑक्सीजन, फूड मटेरियल्स और हार्मोन्स जैसे सबस्टांसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये मिडल मैन है, बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन, ब्लड मटेरियल और हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट करता है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट लेता है बॉडी सेल से और ब्लड को दे देता है। मतलब ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में मिडल मैन होता है। लिम्फ क्या होता है,
ब्लड और सेल्स, बॉडी सेल्स के बीच में लिम्फ मैन होता है। तो ये वेस्ट मटेरियल और CO2 को ब्लड में डाल देता है, फाइनली पोर्स द सेम इनटू द वीनस सिस्टम और फाइनली उसको वीनस सिस्टम में वापस पोर कर देता है। बॉडी सेल्स लिम्फ की वजह से ही मॉइस्ट रहती हैं। इसके अलावा ये लिम्फ, हमने स्टार्टिंग में भी बोला, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में घुस गए हैं, कोई फॉरेन पार्टिकल घुस गई है लिम्फ नोड वगैरह में, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम भी करता है। अब लिम्फ वेसल्स क्या हैं? रिटर्न टू द ब्लड ऑफ एनी फ्लूड्स दैट हैव एस्केप्ड फ्रॉम द सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में कोई भी फ्लूड जो एस्केप हो गया वो लिम्फ वेसल्स में जा रहा है और वापस वो ब्लड में चला जाता है। रिटर्न टू द ब्लड, वापस ब्लड में, रिटर्न टू द ब्लड ऑफ एनी फ्लूड्स दैट हैव एस्केप्ड फ्रॉम द सर्कुलेशन। सर्कुलेशन बाहर निकला और वापस ब्लड में भी वापस चला गया, वो लिम्फ वेसल्स के अंदर जा रहा है। लिम्फेटिक वेसल्स हम कह सकते हैं इंटीमेटली कनेक्टेड विद ब्लड वेसल्स, वो ब्लड वेसल से ही जुड़ी हुई है। ब्लड वेसल से इनफ्लूड निकल रहा है, वापस ब्लड वेसल में जा रहा है, सो दैट दे कैन परफॉर्म दिस फंक्शन। तो लिम्फेटिक वेसल ब्लड वेसल से ही जुड़ी हुई हैं, तो उसी के जैसा ही वो फंक्शन कर रही हैं। लिम्फेटिक वेसल्स कहाँ कहाँ पे होती है? जहाँ जहाँ ब्लड वेसल्स ट्रैवल कर रही हैं, लिम्फेटिक वेसल्स ट्रैवल अलॉन्ग साइड ब्लड वेसल, उसके साथ साथ ही ये भी ट्रैवल करती रहती हैं, पर ये बोन्स में, टीथ में, बोन मैरो और CNS के अंदर नहीं पाई जाती। बाकी सब जगह जहाँ जहाँ ब्लड वेसल्स है उसी के अलॉन्ग साइड ट्रैवल करती रहती हैं, पर बोन्स, टीथ, बोन मैरो और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लिम्फ वेसल्स नहीं पाई जाती। तो ये डायग्राम के अंदर दिखाई गई हैं, भाई देखो ग्रीन कलर की सारी लिम्फ वेसल्स, टॉन्सिल, सर्वाइकल लिम्फ नोड, राइट लिम्फेटिक डक्ट के साथ में, इंटेस्टाइन की वॉल में जो पेयर्स पैचेस हैं, रेड बोन मैरो के पास में, इनगुइनल लिम्फ नोड, यहाँ स्प्लीन से जुड़ी हुई है, थोरैसिक डक्ट से, एक्सिलरी लिम्फ नोड से, थाइमस ग्लैंड से और एंट्रेंस ऑफ थोरैसिक डक्ट इनटू द सबक्लेवियन वेन, सबक्लेवियन वेन में जा रहा है। अब ये देखिए आपको ब्लड सिस्टम के साथ में दिखाया गया, टिश्यू फ्लूड से जा रहा है, ये लिम्फैटिक कैपिलरीज में गया, लिम्फ नोड में गया, यहाँ से वॉल से होता हुआ वापस ये लिम्फैटिक वेसल में ट्रैवल, यहाँ वॉल से होता वापस ब्लड में गया और फिर यहाँ टिश्यू फ्लूड से निकल करके वापस ये जा रहा है। नीचे से आप देखना स्टार्ट करिए, वहाँ से ब्लड में घुस गया, फिर लिम्फैटिक फ्लूड से निकल रहा है, फिर लिम्फैटिक कैपिलरी, लिम्फ नोड, लिम्फ वेसल, फिर वापस ब्लड में। तो इस तरह से ये मूव करता जा रहा है और ब्लड में भी कहाँ पर? वेन्स के अंदर जा रहा है, ये टिश्यू फ्लूड से निकल करके वापस वेन में चला जाता है और वहाँ से फिर वापस आ रहा हो। तो इस तरह से ये सिस्टम चल रहा है। तो ये तो अपन ने लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा कि कैसा है कि भाई ब्लड वैसे साथ साथ ट्रैवल कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहा है, बॉडी फ्लूड को मॉइस्ट बनाए रख रहा होता है, ब्लड और सेल्स के, बॉडी सेल्स के बीच में मिडल मैन का काम कर रहा होता है, मतलब ब्लड से ये ऑक्सीजन, फूड मटेरियल और जरूरी सबस्टांसेस लेकर के सेल्स को देता है और सेल से वेस्ट मटेरियल CO2 को लेकर के ब्लड को देता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।